उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो श्रावस्ती से आ रही है, जहां पर एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। एक पॉजिटिव इकोना का है जबकि 2 पॉजिटिव कोरोना मरीज जमनोहा के बताए जा रहे हैं। आनन फानन में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई और कोरोना से निपटने पर रणनीति बनाई गई। आखिर कैसे इस कोरोना से निपटा जाएगा? पुलिस अधीक्षक ने जिले की सीमा को पूरी तरह सील करवा दिया है। इसके साथ ही जो गांव था उस गांव को भी पूरी तरह सील कर दिया है। खरगोरा बस्ती गांव को भी चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके सील कर दिया है। सीएमओ ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। जी हाँ, श्रावस्ती में 3 केस पॉजिटिव हुए हैं और ये तीनों जो है अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। एक जो है इकोना का है और 2 मल्लिकपुर के। इनके लिए क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? अब इन लोगों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा और बाकी इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करके उनकी भी जांच कराई जाएगी। तो श्रावस्ती में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जो अधिकारी हैं वो अब इस बात की रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि किस तरह इस कोरोना महामारी से निपटा जाएगा, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत तेजी से पूरे दुनिया भर में बढ़ रहा है। देश की बात करें तो देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा 1100-1200 के पार पहुँच चुका है। हालात बिगड़ रहे हैं। शहर शहर में अलग अलग जगहों पर कोरोना के मरीज मिलने से सख्ते में सभी लोग आ गए हैं। प्रशासन इन तैयारियों में जुटा है कि किसी तरीके से लॉकडाउन का सही तरीके से पालन हो, लोग मिले जुले कम और इससे कोरोना के फैलने का खतरा भी कम रहे। खरगोड़ा बस्ती गांव को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया है। श्रावस्ती में एक साथ 3 कोरोना मरीज मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे शहर को भी बैरिकेडिंग करके पूरे तरीके से सील कर दिया है। कोई भी बाहर नहीं आएगा, कोई भी नहीं जाएगा।